हो रहा है। आगे आते हैं, एक और झूठ यहां पर बोला जाता है कि नल और नील, ये मैं थोड़ी बाद में लेता हूं, इससे पहले एक विषय ले लेते, तीसरे वाला। इसमें कहा जाता है कि अंगद ने रावण के दरबार में जाकर कह दिया कि मेरा पैर, मैंने यहां पैर रख दिया और जो मेरे पैर को उठाएगा तो श्री राम जी बिना युद्ध के वापस लौट जाएंगे, यदि आपने मेरे पैर को उठा लिया हम युद्ध हार स्वीकार कर लेंगे। कितनी बड़ी गप है, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं यहां पर। यदि ऐसा ही उसका पैर था तो युद्ध की आवश्यकता क्यों, क्यों ना अकेले ही युद्ध करके ले आए। ये झूठ वाल्मीकि रामायण का पर्दाफाश करती है, जानिए कैसे। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट श्लोक आता है, भक्त्वा प्रसाद शिखरम नाम विश्राव्य चात्मनः विनद्य सुमहानाद मुपपात विहायसम। अर्थात जब अंगद जी को पकड़ लिया था उन राक्षसों ने, तो अंगद जी ने एक छलांग लगाई, सबको, चार राक्षसों ने पकड़ा हुआ था उन चारों को एक तरफ धकेल दिया और अचानक से छलांग लगाकर उनके भवन की सबसे ऊपर की शिखर पर पहुंच गए और उस शिखर को तहस नहस करके और ये कह करके मेरा नाम अंगद है, और वहां से आकाशयान, आकाश मार्ग के द्वारा उड़ करके चले गए थे। तो यहां पर कहां किसी दरबार की बात या रावण के दरबार की बात अथवा पैर रखने की बात आई, कहीं नहीं आई। वाल्मीकि रामायण में किससे ही नहीं है ये।